हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे और मैं हूँ ममता विश्वकर्मा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लाई हूँ गवार की भाजी की रेसिपी। मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो चीज़ें आपके साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गवार की भाजी बनाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.25 किलो गवार है, यहाँ पे हरा धनिया है, अदरक है और चार मैंने मिर्ची ले लिया है। अगर आपको और तीखा चाहिए तो आप और ले सकते हैं। इसमें मैंने देखिए 8 से 10 कलियाँ लहसुन ले लिया है। मैंने कड़ी पत्ता भी पीसूंगी इसमें। और यहाँ पे तड़का मारने के लिए कड़ी पत्ता है, प्याज है, टमाटर है और मैंने यहाँ पे भून के सिंघाड़े को थोड़ा सा कूट लिया है। इसे एकदम पाउडर नहीं करना है, हल्का सा कूट लेना है। आप चाहे तो मिक्सर में भी हल्का सा एक घुमा के रख सकते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें आज मैं हरे मसाले में बनाऊँगी। बिल्कुल मैं गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करने वाले। आप देखना मेरा ये वीडियो पूरा, आपको कुछ अलग सा देखने को मिलेगा क्योंकि ये हरी भाजी पूरी बनने वाली है और बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इतनी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्सर में पीस लूँगी और इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी पर गरम मसाले बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने कढ़ाई रख दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और यहाँ पे मैं अभी डाल रही हूँ प्याज और तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जो हमने प्याज कटिंग किया था वो प्याज में डाल के अच्छे से हल्का कलर चेंज होने तक हमें पकाना है। तो इसके साथ मैं कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ क्योंकि अगर तेल गर्म है और हम कड़ी पत्ता डालते हैं ना तो सब ऊपर और तेल उड़ता है। तो हम कड़ी पत्ता बाद में भी डाल सकते हैं प्याज के साथ, ये भी अच्छे से भून जाएगा। तो चलिए जब तक प्याज हमारा प्याज भून रहा है तब तक हम स्टार्ट अपने मसाले कुछ रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मिक्सर का वाटर ले चुकी हूँ। तो इसमें मैंने सिंघाड़ा थोड़ा सा हल्का सा पीस लिया था। तो इसमें मैं हरा धनिया, अदरक और चार मैंने मिर्ची ली है, मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। और कड़ी पत्ता तो बेस्ट होता है, कड़ी पत्ता तो हमें खाना ही चाहिए, सब बालों के लिए, चेहरों के लिए बहुत बेस्ट होता है। और मैं बीच बीच में ना प्याज को अच्छे से चलाते रहना है। तो चलिए इसमें कुछ मसाले मैं ऐड कर लेती हूँ। मसालों में मैं ऐड करने वाली हूँ सिर्फ जीरा, जो कि चम्मच आप देख सकते हैं, इस चम्मच से मैं 2 चम्मच जीरा ऐड करूँगी बस। अब इस सारे मिक्सर में सारे मसालों को मैं पीस के ले लेती हूँ। आप देख सकते हैं प्याज हमारा थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है ना ज़्यादा लाल करना है, तो हमें इतना ही प्याज चाहिए थोड़ा कलर चेंज आने तक। और इसमें मैं गवार ऐड करूँगी और गवार को मीडियम आंच पे हम मीडियम या फिर हाई आंच पे हमें हाई करेंगे तो हमारा जो प्याज है वो जल जाएगा। इसके लिए हम मीडियम आँच पर इसको अच्छे से भून लेते हैं और इसे हमें ढक के भूनना है जब तक हमारा गवार का कलर चेंज नहीं हो जाता है, गवार हमारा थोड़ा पक नहीं जाता है तब तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो चलिए हम इसे ढक के भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो गवार की भाजी है उसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। हमें इतना ही ज़्यादा लाल नहीं करना है इसे, और तो भी देखिए ज़्यादा हरा भी नहीं है, इतना ही हमें करना है मीडियम। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और यहाँ पे मैंने मसाला पीस लिया है। इसे मैंने 1 चम्मच छोटे चम्मच से अपने हल्दी डाल लिया है, ये भी ऐड करूँगी मैं साथ में, ये भी अच्छे से। और इसे हमें, और हमने अदरवाइज मसाला कुछ नहीं ऐड किया है, हम हरे मसाले ही में ही बनाने वाले। आपने देखा मैंने बिल्कुल मसाला ऐड नहीं किया है, सिर्फ जीरा, हल्दी और हरे मसाले में मैंने पकाया है इसे। तो चलिए इसे इसमें भी तो मैंने पानी ऐड कर दिया है मसाले के साथ ही, तो चलिए इसे अच्छे से पका लेते हैं जब तक हमारा मसाला अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता और हमारा भाजी अच्छे से भुन नहीं जाता है, तब तक हमें इसे पकाना है। तो
आप देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और हमारा गवार भी बहुत अच्छे से हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे पानी। आपको जितना, अगर आपको लिक्विड के जैसा ग्रेवी लगाना है तो आप और पानी ऐड कीजिए, पर मुझे एकदम सूखा करना है जैसे रोटी के साथ मैं खा सकूँ, दाल चावल के साथ और रोटी के साथ खा सकूँ, मैं उतना ही पानी डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा ही पानी डाला, आपने देखा। तो इसमें मैं अभी स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो मैंने देख सकते आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और मुझे इसको एकदम सूखा बनाना है। तो आप देख सकते हैं अब इसमें ढक के में, जब तक थोड़ा पानी कम नहीं हो जाता है तब तक हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी कम हो चुका है थोड़ा और हमें इतना ही चाहिए। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लास्ट में, सबसे लास्ट में सिंगदाना जो हमने सारे भून के लिए थे, भून के अच्छे से मैंने पीस लिया था। इसे ऐड करने के बाद हम सिर्फ एक सेकंड थोड़ा ढक के हम पकाएंगे कि सिंगदाना भी अच्छी तरह से मसालों में घुल जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें चला लेना है। तो मैं इसे मीडियम आंच पे इसको सिर्फ एक सेकंड के लिए मैं ढक के पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं भाजी हमारी रेडी हो चुकी है। अब गैस को करते हैं हम बंद। तो आप देख सकते हैं भाजी रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमने प्याज के साथ गवार को अच्छे से भून लिया था। इसके लिए वो इसे ऐसे ही बनाइए, हम प्याज के साथ अगर गवार भूज लेते हैं ना तो हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें, आपने देखा मैंने सारी चीज़ें आपको बाई स्टेप बताए हैं एक एक चीज़ें। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगता है, अगर पसंद आता है, आपको पसंद आएगा ही, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस तरीके से बनाते हैं और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय।